दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रखी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, जहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पैटर्न भी बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे, ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पर हम बताएँगे। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप www.quicktechdu.com पे जाना ना भूलें, जहाँ पे आपको डेली जो है नई जॉब्स, करंट अफेयर की PDF और मॉक टेस्ट सीरीज़ देने का मौका मिलता है। तो आप जो है इस वेबसाइट पे जाना ना भूलें। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे जो है आप डेली विजिट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HPCL, तो HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट की जो है जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्म है दोस्तों आपका स्टार्ट होगा 20 मार्च से। आपको हमारे चैनल में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए जो है आप लोगों के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इस फॉर्म को जो लास्ट डेट है दोस्तों 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल से पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करूँ कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, तो देखिए यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो फ्रेशर्स कैंडिडेट पर है। ये जो वाली पोस्ट है 40,000 से लेकर 1,40,000 वाली सैलरी वाली जो पोस्ट है, इसमें जो है फ्रेशर्स के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है। 25 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। बाकी जो पोस्ट है दोस्तों जैसे कि E1 E2 की बात की जाए तो E2 में जो है 3 साल, E3 में जो है 6 साल, E4 में जो है 9 साल जो है आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आप नॉन टेक के लिए बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम 1 साल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे ₹500 का जो है एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बात की जाए फाइनल ईयर के कैंडिडेट, तो ये भी अब जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन उनका जो कोर्स है वो जो है 20 मार्च 2020 से पहले जो है, यानी कि जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाना चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे एलिजिबल है। देन दोस्तों अगर बात की जाए इसमें सिलेबस और टेस्ट सिटीज़ के बारे में, तो आपको जो है इस वेबसाइट पर जो है डेली विजिट करना पड़ेगा, या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साइड में आपको विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इसका सिलेबस और एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है मालूम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू और GD जो होगा इसके बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, किसी प्रकार कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे दो पार्ट होंगे आपके एग्ज़ाम में। पहला पार्ट जो है नॉन टेक होगा, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे, देन यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रटेशन और इंटेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, ये जो है आपका यहाँ पर रहेगा। टेक्निकल की बात की जाए तो आपके टेक्निकल से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेक्निकल फील्ड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे और जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट बनेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से और इंटरव्यू पे बेसिस पे। तो यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया भी दे रखा है, उसे भी आप देख लेते हैं कितना जो है लाने पे आप जो है काउंट होंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ओवरऑल की दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 60% जो है आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप जो है यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हो। देन दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे इंटरव्यू में जो है आपको कितने परसेंटेज लेके आना है, तो इंटरव्यू में जो है आपको 40% लेके आना है मिनिमम, तब जाके आप जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के चांसेस हैं। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा करके BTech किया है तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया है दोस्तों कि अगर आपने फाइनल ईयर में हैं तो अगर आपका जो रिजल्ट है वो 20 मार्च से पहले जो है आ जाता है तो भी जो आप फाइनल के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। MTech के कैंडिडेट भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है वेबसाइट quicktechdu.com पे जाना ना भूलें, जहाँ पे आपको फर्दर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपको करंट अफेयर के वीडियोज़, देन यहाँ पे डेली न्यू जॉब्स, PDF, मॉक टेस्ट सीरीज़ देने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे डेली जो है न्यू टेक्निकल जॉब मिलती है। तो इस वेबसाइट पे जाना या फिर विजिट करना ना भूलें, और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग भी आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जब इसका फर्दर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर और भी चीज देखना चाहते हैं, और भी वैकेंसीज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।